हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लाउस मेथड पढ़ने वाले हैं, जो कि एक मेथड है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन का। यानी लाउस मेथड से हम एक्सरे का डिफ्रेक्शन कराते हैं, फिर एक्सरेज को हम क्रिस्टल के अंदर से पास कराते हैं, और उसके बाद से उससे जो हमें रेज मिलती हैं उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉल कराते हैं, और उसके बाद से एक हमको पैटर्न देखने को मिलता है। यानी जब एक्सरेज होती हैं, एक रेज होती हैं, रेज जब क्रिस्टल के अंदर से पास होता है तो क्या होता है कि उसमें प्लेन्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, और उस प्लेन्स से वो डाइफ्रेक्ट होती हैं, और डाइफ्रेक्ट होके एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, और एक हम सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगाए होते हैं जिसपे हम उसके स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं, उससे उस प्लेट पर क्या स्पॉट्स बनते हैं जिसे हम एनालिसिस करते हैं। तो नाउ हम डिटेल में देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है सब मेथड, लाउस मेथड। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का मेथड होता है फ्रेंड्स। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम एक्सरेज का सोर्स रखते हैं, यहाँ पे एक्सरेज का सोर्स जहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे हम एक पिन होल अरेंजमेंट बनाए होते हैं जहाँ से जितनी भी हमारी एक्सरेज होती हैं वो कोलिमेट होके यानी कंसंट्रेटेड होके, जो हमारी मान लीजिए यहाँ पे एक्सरेज पूरा डिफ्यूज्ड है, तो यहाँ पे जो पिन होल अरेंजमेंट है यहाँ पे कंसंट्रेट होके एक ही जगह में मतलब घनी हो जाती हैं एक्सरेज और पास करती हैं। और यहाँ पे हमने जिस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता करना है उसको हमने यहाँ पे रखा है। ये जब एक्सरेज इससे पास होती हैं तो इसके अंदर डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे इंक्लाइंड होते हैं। तो जब इसके अंदर से एक्सरेज पास होती हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होके जब इधर जाती हैं या फिर रिफ्लेक्ट होकर कुछ तो इधर आती हैं, आप देख सकते हैं रेज कुछ इधर आ रही हैं। और हमने यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखा है यहाँ पर भी, क्योंकि हमको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर इंटरफेरेंस जो हो रहा है कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव उसको ऑब्जर्व करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट हमने यहाँ पर भी लगा रखा है, और पीछे भी हमें रेज देखने को मिलती हैं जो कि इंटरफेर करते हैं आपस में कंस्ट्रक्टिव, और हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है क्रिस्टल के अंदर का पैटर्न। तो हमने यहाँ पर भी एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखा है ताकि अगर इधर से रिफ्लेक्ट होकर रेज निकले और इधर इंटरफेर हो आपस में तो उसका हमें उसको हम एनालिसिस कर सकें। नाउ अब हम देखते हैं डिटेल में। इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एक्सरेज डिफ्रेक्शन। इन दिस मेथड अ सिंगल क्रिस्टल इज हेल्ड स्टेशनरी। ये एक बहुत ही प्राचीन मेथड है जिससे हम एक्सरेज को डिफ्रेक्ट कराते हैं। अ सिंगल क्रिस्टल इज हेल्ड स्टेशनरी। एक क्रिस्टल को हम स्टेशनरी रख देते हैं। अ वेल कोलिमेटेड बीम ऑफ एक्सरे फॉर कंटिन्यूस वेवलेंथ इज मेट टू फॉल ऑन क्रिस्टल। एक हम वेल कोलिमेटेड बीम को क्या करते हैं, हम इस क्रिस्टल पर फॉल कराते हैं। द रेंज ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज इज एक्सरेज का रेंज 0.2 से लेकर 2 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होता है फ्रेंड्स। अ पिन होल अरेंजमेंट इज यूज टू प्रोड्यूस कंसनट्रेट बीम ऑफ एक्सरेज। जो पिन होल अरेंजमेंट है इससे हम क्या करते हैं, एक्सरेज को कंसनट्रेट करते हैं। देर आर इन्फेनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स प्रेजेंट इन साइड द क्रिस्टल विद डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जो डिफरेंट एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। बट व्हेन एक्सरेज फाइंड सुटेबल प्लेन, लेकिन जब एक्सरेज एक सुटेबल प्लेन फाइंड करती है जहाँ से डिफ्रेक्शन हो सके, दैट विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, जहाँ से 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा हो। यानी एक्सरेज जब क्रिस्टल के अंदर से पास कर रही हो उस समय एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा हो जाए, तो क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो हमें फिल्म पर देखने को मिलेगा। इट्स रिफ्लेक्टेड वेव्स प्रोड्यूसेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो इसके रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं, एंड वेरियस स्पॉट्स आर सीन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट्स। और बहुत सारे हमें जो स्पॉट्स होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट्स पर देखने को मिलते हैं। द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टर्न्ड ऑन द टू फिल्म्स कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्पॉट्स। जो डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें टू फिल्म्स पर, जो पीछे था और एक आगे था, जो दोनों पर हमें देखने को मिलता है उस पर क्या होता है, बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। विच डिस्क्राइब द सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल के सिमेट्री को डिस्क्राइब करता है। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं
और इस स्पॉट्स से हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पता करते हैं कि क्रिस्टल का इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर के एटम्स कैसे आपस में अरेंज्ड हैं। इसके यूजेस देखते हैं फ्रेंड्स। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री। इस मेथड का हम यूज़ करके क्रिस्टल के ओरिएंटेशन और सिमेट्री का पता लगा सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश द शेप ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल। और हम क्रिस्टल के अंदर के जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको हम पता कर सकते हैं। हमें पता है फ्रेंड्स कि क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारे यूनिट सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यूनिट सेल्स किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि वैसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर रिपीटेड होते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर।